नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि सफीदों से आ रही है। आपको बता दें कि सफीदों में एक बुजुर्ग का, जी हां, शव मिला है। गांव लुदाना के खेतों में ये शव मिला है। सफीदों से बड़ी खबर है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है कि आखिर वो कौन है। खेतों में ये शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और शव को अपने कब्जे में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। तो सफीदों से बड़ी खबर है। गांव लुदाना के खेतों में एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। इलाके में सनसनी फैल गई है। जैसे ही शव की खबर बाहर निकली और मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने शव को कब्जे में भी ले लिया है। तो सफीदों में एक बुजुर्ग का शव मिला है। गांव लुदाना के खेतों में ये शव मिला है। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं सफीदों से हमारे संवाददाता सत्यदेव। सत्यदेव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सफीदों का गांव है लुदाना, जहां पर आज सुबह पुलिस को एक शव बरामद हुआ है और खेतों में पड़े हुए इस शव की हालांकि अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक उसके शरीर पर भी इस प्रकार से कोई चोट के आदि के निशान भी नहीं मिले हैं जिससे माना जाए कि उसकी हत्या की गई हो। लेकिन इस प्रकार से खेतों में जो शव मिला है उसे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सनसनी है, तो लोगों के द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के द्वारा उस शव को कब्जे में लेकर के जींद के सामान्य अस्पताल में अभी पहचान के लिए रखा गया है और 2-3 दिन तक उसको पहचान के लिए वहां पर रखा जाएगा। और पुलिस के द्वारा इस बुजुर्ग की जो फोटो है उसको संबंधित आसपास के कई थानों में भी भिजवाया गया ताकि लोग उसकी पहचान कर सकें। और जो बुजुर्ग घरों से लापता है उनको लेकर के जहां पर भी शिकायतें दर्ज हुई है वहां पर भी पुलिस के द्वारा ये जानकारी भेजी गई है, लेकिन अभी तक उस शव की कोई पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर वो है कौन। जी सत्यदेव, ये बताएं कि क्या उस शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है ताकि पता चल सके कि आखिर जो मृत्यु है वो हुई कैसे? अभी इस शव को पहचान के लिए 2-3 दिन के लिए मर्चरी हाउस में रखा जाएगा ताकि अगर किसी के परिवार का है वो उसको पहचान सके और उसको ले जा सके। उसके बाद अगर कोई जानकारी नहीं मिलती है तो उसके शव को वहां पर पोस्टमार्टम करके जो सरकारी नियम है उसके अनुसार वहां पे उसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के प्रयास है कि जिस परिवार से वह है उसकी पहचान हो जाए ताकि वो परिजनों को उसके शव मिल सके। जी, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यदेव। तो आपको बता दें सफीदों से बड़ी खबर, एक बुजुर्ग का शव मिला है खेतों से और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में भी ले लिया है। हालांकि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसको मॉर्चरी में रखवाया है ताकि 2-3 दिन के लिए, ताकि कोई भी आकर के पहचान कर सके कि किसके परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं।